अयोध्या में आज भी दिवाली पूजन की वही परंपरा कायम है जैसे सदियों से पहले हुआ करती थी। यहाँ दिवाली से पहले मंदिरों की सफाई के साथ साथ भगवान को भी विशेष तौर पर नहला धुला कर तैयार किया जाता था। नए कपड़े सिलवाए जाते थे, उनके लिए नए आभूषण बनाए जाते थे। तो वहीं अयोध्या के सभी मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं। अयोध्या के घरों में मंदिरों में शुद्ध रुई से बनी हुई बाती से दिए जलाए जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि राम जन्मभूमि विवास्त परिसर में राम विराज करते हैं और रामलला के गर्भगृह में हर साल दिवाली की विशेष पूजा होती है। तो वहीं इस अवसर पर रामलला समेत अयोध्या के 6000 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिरों में भगवान के गर्भगृह में मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि धरती माता की कोख से निकली मिट्टी के बने दिए के प्रकाश से ही धन धान्य और संपदा बरसती है। दियों की रोशनी से अंधकार का नाश होता है। इस मौके पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। भगवान को पहनाने वाले सारे वस्त्रों का चुनाव महीने भर पहले से ही हो जाता है। देश विदेश से भगवान के वस्त्रों के लिए आग्रह आता है। यहाँ भक्तों से चढ़ाव के रूप में मिले वस्त्र और आभूषण ही भगवान को पहनाए जाते हैं। जानकारी दे दे राम वल्लभ कुंज के मुख्य अधिकारी राजकुमार दास भी महाराज के अनुसार सदियों से ही मंदिरों में दिवाली पे भगवान विशेष श्रृंगार किया करते हैं। उन्हें तहरी तरह के वस्त्र पहनाए जाते हैं, पकवानों का भोग लगाया जाता है, राम दरबार में शुद्ध घी के दीपक जलाए जाते हैं, भगवान के सामने फुलझड़ी और आतिशबाजी की जाती है। इसके बाद वहां मौजूद भक्त गर्भगृह को छोड़कर पूरे मंदिर में दीप जलाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से जुड़ी रही की रिपोर्ट।